सोच है कि हम का है कि ये 400 बार की ये फैसला करना है और काम हो गए। अच्छा बीडीसी में बना डॉक्टर ने मैं मिली थी, मैंने सबसे पहले तो बात उनको याद दिला दी, हमें तब तक वे डॉक्टर साहब की याद रखी है जब तक इलेक्शन हो रहा था, जबरदस्ती मैंने टाइम लिया था, मेरे दो बातें वहां करनी थी, मैं शराब करता हूँ आपके जज्बे को, लेकिन ये जज्बा उससे फिर गुजारिश करना चाहूंगा कि पार्टी को स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट नरेश कुमार गुप्ता जी, सेक्रेटरी शामलाल भगत जी, मुश्ताक मलिक साहब डीडीसी मरहत। 19,000 की लीड कांग्रेस पार्टी ने ली और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में जब भी असेंबली के इलेक्शन होंगे, चुनाव वैली से और जम्मू प्रोविंस से कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा वोट लिया है, भले ही हम हारे लेकिन 10 लाख से ज़्यादा वोट हमने लिया, जितना वोट हमने 8 और 14 में भी नहीं लिया था उससे ज़्यादा वोट हमने आज पार्लियामेंट इलेक्शन में लिया। अगर रजौरी पुंछ का भी वोट रखते हैं साथ में तो कांग्रेस जम्मू प्रोविंस में नंबर 1 पार्टी है, वो इस इलेक्शन में उभरी। ये तो रजौरी पुंछ को इनने कश्मीर के साथ लगाया, नहीं तो पिछले इलेक्शन में हमने 4.25 लाख वोट रजौरी पुंछ से लिया था और अगर सारा जमा किया जाए तो 15 लाख वोट बनता है। तो मुझे लगता है कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस उभरी है, हमने 7 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसियों में लीड भी की इलेक्शन में, कहीं ना कहीं राम मंदिर और मोदी जी का भी वो एक सवाल रहता है लोगों को, लेकिन आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उसमें कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी होगी और मुझे लग रहा है कि हुकूमत बनाने में सबसे आगे हमारी पार्टी होगी, हम ही हुकूमत को लीड करेंगे। इंडिया अलायंस हमारे साथ है, अभी उस चीज़ पे बातचीत नहीं हुई, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसियों में हमारी कंपल्शन है ये करने के लिए, अलायंस करने के लिए, बाकी जगहों पे आप फ्रेंडली भी लड़ सकते हैं और कोलिशन में भी लड़ सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ हैं जैसे चनाब वैली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ सेकुलर वोट को डिवाइड करने की कोशिश होती है, पहले भी सेकुलर वोट डिवाइड हुआ और बीजेपी ने सीटें निकाली, कॉम्युनल लोगों ने सीटें निकाली, हम नहीं चाहते यहाँ का सेकुलर वोट डिवाइड हो, हम चाहते हैं कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स इंडिया अलायंस वाले साथ मिलके उन पर्टिकुलर में, तो हम तो ये नहीं चाह ये भी चाहते हैं फ्रेंडली भी इलेक्शन हो सकता है और उन सीटों पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा जहाँ पर कॉम्युनल फोर्सेज हमारे डिवाइड होने की वजह से हमसे सीटें छीन सकते। देखो हमें इस बात का बड़ा दुख है कि बीजेपी ने इस जो ये 24 का इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का पूरे हिंदुस्तान में डोल बजाया कि हमने स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का छीना, यूटी बनाया और हमने वहाँ के हालात ठीक किए। 2021 से आज तक जो 44 जवान जम्मू प्रोविंस में शहीद होते हैं, कश्मीर में हालात कैसी हैं, तो ये हालात जो है दिन ब दिन बदतर से बदतर हो रही है और इनका बयान तक नहीं आता है, कंडम तक नहीं आता है। तो मैं ये कहूंगा कि कंप्लीटली मोदी सरकार जो है सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके यहाँ पे फेल हो चुकी है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पाकिस्तान के भेजे हुए मिलिटेंट यहाँ आके हमारी फौजी जवानों पे हमला करते हैं, वो शहीद होते हैं और हुकूमत सोई हुई है, खाली अपने चमचों को भेज के पुतला फोकल जलवाते हैं पाकिस्तान का। मैं ये कहूंगा कि भैया तुम करो कुछ, तुम ही लोगों ने कहा था कि हमने यहाँ के हालात सुधारे, सुधार के तो दिखाओ, कांग्रेस आपके साथ है, शाना बशाना खड़ी है जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने के लिए। ये जो ढोल बजा रहे हो बाहर की स्टेटों में, हमने यूटी बना के स्टेट हुड छीन के यहाँ पे हालात सुधारे, कौन से हालात सुधारे इन लोगों ने?